जो था अपना, थोड़ा सा एक बार शुरू से करते हैं जो भी था। फर्स्ट में हम लोगों ने जो ये टॉपिक था आप लोगों को बताया था, इसके अंदर हम लोग मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे थे। मिक्सिंग के अंदर आपको लोगों को बता दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका मटेरियल है उसकी क्या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, या केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके। बेसिकली इन दो चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि मटेरियल है अपना वो क्या है, मतलब कैसा है उसको, सरफेस उसका हार्ड है या नहीं। वो कई ऐसे केमिकल होते हैं जो बड़ी जल्दी आग पकड़ने वाले होते हैं, बड़ी जल्दी टूटने वाले होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थी उसके अंदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि चार कैटेगरीज में हम कह सकते हैं चार क्लासिफिकेशन दे रखी थी, ड्राई पाउडर्स के मिक्स करने की, लो या मीडियम विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी और एक डिस्पर्शन ऑफ पाउडर इन लिक्विड्स। तो उसमें हम लोगों ने सॉलिड्स के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे रिबन ब्लेंडर, और उसके अलावा टम्बलर मिक्सर पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद टम्बलर मिक्सर के बाद वर्टिकल स्क्रू मिक्सर था, वर्टिकल स्क्रू मिक्सर के बाद इंपैक्ट व्हील था। इंपैक्ट व्हील का आपको बताया कि डायग्राम, ये थोड़ा सा नोट्स और अपडेट करके फिर आप लोगों को बता दूंगा ताकि इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद है इक्विपमेंट फॉर लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग के अंदर आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि एजिटेटिंग टाइप सिस्टम होता है, अरेंजमेंट लगा होता है इसके अंदर मिक्सिंग के लिए, अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ की बात करें। और अच्छा, ये चीज़ आपको को रियल कर देते हैं कि जो हम लोग अभी मिक्सिंग इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसके अलावा मिक्सर्स नहीं होते या मिक्सिंग सिस्टम नहीं होते, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मिक्सिंग सिस्टम के और जो कॉमनली यूज़ होते हैं उस तरह के मिक्सिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर आप यूँ ब्रॉडवे में जाएँ तो बहुत दुनिया भर के हैं, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके सिलेबस में कोई डिफाइंड नहीं किया हुआ कि किस लेवल तक जाना है। तो हमने जो हमें लगा कि ये कॉमन यूज़ होते हैं, कॉमन मिक्सर्स होते हैं, हमने केवल वहीं पे हम लोगों ने फिर कॉन्सेंट्रेट किया है इसके अंदर। तो ये हो गए इसके अंदर हम लोगों ने जैसे इसमें था एजिटेटर में अलग अलग तरह की ब्लेड्स के बारे में बात की थी, प्रोपेलर टाइप में था, टर्बाइन टाइप में था, हेलिकल इंपेलर था, रेडियल इंपेलर था, पैडल इंपेलर था, तरह तरह के इंपेलर हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बात की थी इक्विपमेंट फॉर हाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड पेस्ट मिक्सिंग। पेस्ट मिक्सिंग में आपको बताया था कि जो हमारा रिबन ब्लेंडर था उसी तरह का अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, अपने नीडल्स के अंदर, जिनको नीडल्स भी बोल देते हैं इनको। उसके अलावा जेड ब्लेड मिक्सर्स भी बोल देते हैं, सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स भी बोल देते हैं, मतलब इनकी ब्लेड्स अगर आप चेंज कर दें तो अगर ब्लेड सिग्मा ब्लेड्स आ गई शेप तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर हो जाएगा, और अगर जेड ब्लेड्स अगर आपने लगा दी तो जेड ब्लेड मिक्सर हो जाएगा। तो मिक्सर कौन सा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये मिक्सर आपको बताया था, नीडल्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है नीडिंग के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग इसके अंदर पढ़ें भी सिग्मा मिक्सर, आप लोगों को बताया था कि जैसे आप जब मिक्सिंग करते हैं, वीडियो दिख रहा है ना क्लियर, हाँ, तो आप लोगों को बताया था कि जो आपने देखा हो कि मसाला बनाते हैं, जो ये कंक्रीट बनाते हैं छत बनाने के लिए, उस तरह का मिक्सर जैसा सही सिस्टम है इसके अंदर। देखो आप अगर एक बार, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इसको बहुत यूज किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इसका काफ़ी अच्छा यूज है। और बेकरी के अंदर आटा गूंदने के लिए जो सिस्टम बोल देते हैं, बेकर बनाने के लिए, उसके अलावा पेस्ट वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। थोड़ा हैवी ड्यूटी टाइप में होता है, इनकी ब्लेड्स हैं सिंगल स्क्रू डबल स्क्रू दोनों हो सकती हैं। इस तरह क्या होगा, अभी जो जैसे ऊपर ये ओपन है ऑटोमेशन सिस्टम में क्या आता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होगा, दो तीन पाइपें अरेंजमेंट होती है, ऑटोमेटिक इसके अंदर पाउडर आएगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर फ्लेवर जो भी करना हुआ आएगा, उसके बाद मिक्स होने के बाद इसको इस तरह टेढ़ा कर देते हैं। तो ये सिंगल स्क्रू डबल स्क्रू लग रहा है, हाँ डबल स्क्रू मिक्सर है, ठीक है। ज़्यादातर ये होते हैं वो डबल स्क्रू मिलते हैं, मैंने जब भी देखा गया था डबल स्क्रू मिक्सर देखे, आपने देखा होगा कि रिबन ब्लेंडर के अंदर बिल्कुल पतली पतली स्क्रू, जबकि ये है काफ़ी हैवी ड्यूटी है, साइज मटीरियल इसके अंदर है। इसको क्या करेंगे फिर,
कंट्रोल सिस्टम से इसको उल्टा घुमाना सीधा घुमाना इस तरह दोनों तरीके से हम घुमा सकते हैं। जब भी अनलोडिंग करते हैं तो इसको उल्टा घुमा दिया जाता है ताकि मटेरियल है वो बाहर आ जाए। ये है इसके अलावा दूसरा एक जेड ब्लेड होता है, जेड ब्लेड में थोड़ा जेड से टाइप इफेक्ट कनेक्ट होता है। अब समझ में आ गया, मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद आप लोगों को बताने की जरूरत है कि मैं क्या बोल रहा था। सिग्मा मिलेस और जेट ब्लेड में फर्क, बेसिक फर्क सिर्फ एक ही होता है। तो पता चल गया आप लोगों को। उसके अलावा देखो उसके अलावा ये दिख रहा है आप लोगों को भी, देखो ये प्रोपेलर टाइप ऑफ कुछ इस तरह का होता है, शाफ्ट ट्विस्टेड ब्लेड्स इसके अंदर लगी होती हैं। अपने जो घरों में एग्जॉस्ट फैंस नहीं लगे होते, या हम कह सकते हैं बड़े एग्जॉस्ट फैन होते हैं, कुछ उसी तरह का जो हम बोलते हैं उस तरह का सिस्टम इसके अंदर रहता है। ठीक है, और ये तो सारे ब्लेड्स का बता रहा है, ये टर्बाइन मिक्सर हो गया, टर्बाइन मिक्सर का डायग्राम है। उसके अलावा ये पैडल मिक्सर हो गया, सबसे बड़ी बात है ये टेढ़ा हो जाता है। चलो अभी पता लग गया, मेरे ख्याल से सभी को पता लग गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी पता लगा चीजों का, ये जितने भी इंपेलर थे दिखाई गए, वीडियो आप लोगों को समझ में आया कुछ उसका।
आवाज चली गई थी। कंटिन्यूस मिक्सर्स जिसको पग मिल्स बोलते हैं, कंटिन्यूस मिक्सर्स की अगर बात करें इसमें पग मिल्स हैं। पग मिल्स आर मशीन्स फॉर मिक्सिंग मटेरियल यूजली वन ऑफ देम ड्राई और अदर लिक्विड। ए पग मिल और पग मिल इज ए मशीन इन विच क्ले और अदर मटेरियल्स आर मिक्सड इन टू ए प्लास्टिक स्टेट। मतलब ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं हाई विस्कस ऑफ फ्लूड लिक्विड मटेरियल के लिए, सॉरी हाई विस्कस ऑफ विस्कोस्टियो मटेरियल के लिए जरूरत होती है। इसके अंदर दो तरह से होती है पग मिल्स, आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये जो शेप दिख रही है उसके अंदर ये पैडल्स हैं वो घूमते रहते हैं। और दो डायग्राम देने का मेन पर्पज है कि इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको अगर अंडर फिलिंग करोगे तो भी हमारी जो इफेक्टिव है नहीं रहेगा मिक्सिंग है, अगर ओवर फिलिंग कर दोगे तो भी वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूस पग मिल्स के अंदर अगर हम बात करें जो पग मिल्स हैं अगर उसके अंदर हम लोगों को प्रॉपर मिक्सिंग किसी भी केसेस में है, किसी भी मिल की अगर बात करें हम लोग प्रॉपर अगर मिक्सिंग चाहते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ओवरलोडेड अगर हम लोग करेंगे, अगर हम ओवरलोड भी करेंगे किसी चीज़ को या अंडर उसके अंदर उसको फिलिंग करेंगे तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारा जो मशीन है वो जितना होना चाहिए था मतलब जो एफिशिएंसी उसको देनी चाहिए थी वो चीज़ वो नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमेशा इम्पोर्टेंट रख होती है, इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है और वो रखनी चाहिए इम्पोर्टेंस कि हम लोगों को जब भी हम लोग इसको करें पग मिल। ओके चलो ये कई सारे इक्विपमेंट दिखा रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ वो तो तेरा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया ना, तेरी रेंज में दिक्कत है अभी यहाँ पे। रेंज में दिक्कत है भाई, आवाज आ रही है क्या सभी को? दोबारा ज्वाइन कर ले, दोबारा ज्वाइन कर ले। हाँ डाटा कनेक्शन लॉस तुम्हारा ही दिक्कत, एंड पे दिक्कत आ रही भाई। आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या कोई? अभी फ़ोन आया था जतिन का, बोले कि मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरा जतिन का भी फ़ोन आया था कि सर अभी मिल नहीं रहा या हो नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। सर अभी आई है आपकी आवाज, बीच में तो नहीं आ रही थी। वो बीच में यार फोन चला कर लिया था ना उसने, बीच में तो उसने फोन कर लिया था, वो फोन के चक्कर में मेरा चला गया था। पग मिल्स में जो बेसिकली पैडल पैडल की फॉर्म में रहते हैं वो, ठीक है। एक तरह से जैसे हाथ से जो भी चीज़ें मैंने जैसे बताया था कि हाथ से अगर किसी चीज़ को हम लोग घुमाते हैं
दो डाउनलोड करके रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है सर, बीच में साउंड आ रहा है, पता नहीं किस चीज का। अभी तो नहीं आ रहा। नहीं अभी भी आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा, पहले बहुत ज्यादा आ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? मैंने स्क्रीन, आप मेरी मेरी शक्ल दिख रही है कि मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी इसमें लिखा हुआ है सर, स्क्रीन शेयरिंग इन प्रोग्रेस, ऐसा लिखा आ रहा है स्क्रीन। हाँ अभी अभी कंटेंट अभी दिखा रहा है। कंटेंट अभी दिखा रहा है ना, अभी देखो वीडियो दिख रहा है। अभी दिख रहा है वीडियो? हाँ अभी आया है सर। हाँ अभी आया है। देखो ये लिक्विड मिक्सिंग का डायग्राम, देखो आप ये एक चीज बीच में, ये बन गया है देखो, क्या कहते हैं, गहराई सी बन गया है ना, मतलब एक थोड़ा सा खड्डा सा बन गया है, इसको बोलते हैं वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को, इसको हटाने के लिए बीच में साइडों में यहाँ पे इसके अंदर फिर क्या किया जाता है, अगर जब हमें वॉर्टेक्स फॉर्मेशन बंद करनी होती है तो हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे लंबे पत्तियाँ सी लगा देते हैं, उससे क्या वॉर्टेक्स फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाता है, ये नहीं फॉर्मेशन होता। ठीक है, जैसे ये लिक्विड मिक्सर, लिक्विड मिक्सर अब समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज़्यादा ये कोई डिफ़िकल्ट सी चीज़ है। उसके अलावा आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा था मैं, पग मिल दिखाना चाह रहा था, वो पग मिल मेरे को मिल गई थी जब मैंने लेक्चर से पहले मैं ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तो वो मिल नहीं रहा है। पग मिल मिक्सर, चलो ये अच्छे से एक बार मैं दो मिनट के लिए वो कर रहा हूँ। ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा मटेरियल है, एक तो हम लोग ऊपर से लेके नीचे ला रहे हैं। हेलो, स्क्रीन दिख रही है, वीडियो दिख रहा है अभी? यस सर, आवाज वीडियो की आवाज आ रही है, लेकिन अभी बहुत हो रखी है। आज हम लोग सुनेंगे पग मिल्स के बारे में, देन हम लोग जाएंगे रिबन ब्लेंडर्स देन टम्बलर्स। सो पहले स्टार्ट करते हैं पग मिल्स के हिसाब से। पग मिल्स यूज्ड ड्यूअल काउंटर रोटेटिंग शाफ्ट्स विद ए फिक्स्ड पिच्ड ब्लेड्स। क्या करते हैं ये ड्यूअल काउंटर, ड्यूअल काउंटर का मतलब क्या होगा कि एक यहाँ पे देखिए, एक तरह का तो इस तरफ एक घूम रहा है और दूसरा इस तरफ जा रहा है, सो इसको जो बोलेंगे हम लोग ड्यूअल काउंटर। ड्यूअल काउंटर का मतलब किस तरह, देखो पग मिल्स आर यूज टू ड्यूअल काउंटर, देखो इसके अंदर क्या है, आपको बताया था कि दो रोड्स होती हैं इसके अंदर, साथ में क्या है पिच पैडल्स टू क्रिएट। पिच पैडल्स का मतलब होता है कि जैसे ये जो इसके अंदर जो ये लगी हुई है ना, ये देखो ये पैडल्स लगे हुए हैं, जैसे ये इसके साथ ऐसे लगे हुए हैं जो, ठीक है, इन चीज़ों को बोल रहे हैं ये पिच्ड पैडल्स। ठीक है, ये लगे होते हैं, इनका काम क्या है बेसिकली, ये किस पर्पज़ के लिए काम आ रहे हैं, फोल्डिंग मोशन के लिए, ओवर मोशन, जो जैसे आप हाथ से नहीं जैसे दबाते रहते, उस तरह के मोशन के लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, एडिशनल स्प्रे सिस्टम मे बी माउंटेड टू द मिक्सर वैन ए बाइंडर और, हाँ अगर इसके अंदर हम लोग क्या करें, कोई बाइंडर को ऐड करना है किसी को मिक्सर के अंदर, या कोई एडिटिव ऐड करना है, तो बीच में हम क्या करते हैं, स्प्रे सिस्टम अरेंज कर देते हैं, वो बीच बीच में इसके अंदर स्प्रे करता रहता है और मटीरियल है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता रहता है। इसके बाद जो जो है मुलर मिक्सर है, मुलर मिक्सर आपके नोट्स में भी है, लेकिन ये दो दो चार चार लाइनों के अंदर है इसने दे रखा। मुलर मिक्सर बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको देखेंगे, ये देखो आप ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके अंदर क्या है, एक राउंड एक सर्कल है जो ये है, यहाँ पर ये क्या होता है, डबल मूवमेंट इसके अंदर होती है। मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जो दो पैड, ये जो रोड, ये दोनों हैं, ये भी मूव करेंगे कुछ इस मोशन में, और ये मतलब
आप समझ रहे हो, अभी ये भी मूव करेंगे इस तरह और ये यू मूव करेगा, ठीक है। मोलर्स आर यूज फॉर हैंडलिंग बैच ऑफ हैवी सॉलिड्स के लिए और पेस्ट के लिए। अच्छा, ये दोनों पर्पज़ के लिए काम होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मिक्सिंग भी कर लेते हैं, मिक्सिंग भी एक तरह से करता है और एक तरह से साइज रक्षण भी करता है पेस्ट को जो बनाने के लिए, अगर हम कहें उसके लिए भी बड़ा ये हेल्पफुल रहता है। इन वन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ मुलर मिक्सर ए पैन इज स्टेशनरी एंड व्हील रोटेट वाइल द अदर डिज़ाइन पैन इज रोटेटेड एंड हाँ देखो इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि दो तरह से होते हैं मुलर मिक्सर मिक्सर्स या मुलर व्हील्स भी बोल देते हैं, कि ये इनके अंदर एक में तो क्या होगा जो व्हील्स हैं वो रोटेट करेंगे, पैन है जो पैन का मतलब है जो उसके अंदर वो बना हुआ है, जैसे इसके अंदर कहा गया इसको इसको बोल रहा है ये पैन, ये जो चीज़ है इसको पैन बोल रहा है। एक में तो क्या होगा ये स्टेशनरी होगा, अंदर वाले भी मूव करेंगे, एक में क्या होगा अंदर वाले स्टेशनरी है ये मूव करेगा, तो डिज़ाइन दोनों हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अपने नोट्स के अंदर भी अगर आप देखें, नोट्स के अंदर भी अगर हम देखें मुलर मिक्सर ये रहा, इसके अंदर क्या है देखो आप अगर देख, इसके अंदर देखो ये पैन है, इसको पैन बोलते हैं, ये व्हील्स हैं, ठीक है, इनको मुलर व्हील बोलते हैं। इट गिव्स डिफरेंट मिक्सिंग एक्शन फ्रॉम दैट ऑफ अदर मशीन, दिस डिफरेंट एक्शन इज गिवन बाय वाई गिवन विद सॉरी वाइट की जगह विद हैवी मुलर व्हील्स इन दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन द पैन इज स्टेशनरी एंड हाँ इसके अंदर क्या है पैन स्टेशनरी है, सेंट्रल जो शाफ्ट है वो मूव कर रही है और व्हील्स हैं वो भी फ्रीली मूव कर रहे हैं। दूसरे के अंदर क्या होता है पैन है वो जो आपको बताया था कि पैन मूव करती है और जो व्हील्स हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, तो स्टेशनरी व्हील स्टेशनरी रहेंगे, जो ये रोड ये सेंटर रोड है जो ये स्टेशनरी रहेगी, जो ये पैन घूमेगा तो इस पैन के साथ साथ ये व्हील्स हैं ये घूमेंगे और ये शाफ्ट नहीं घूमेगी। तो दोनों ही तरह के मुलर मिक्सर हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन, ये एक तरह से मटेरियल को पेस्ट की फॉर्म में, जैसे दानेदार अगर कोई मटेरियल उसको पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। उसके अलावा ये रिडक्शन प्लस मिक्सिंग दोनों काम कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिक्सिंग के अंदर, तो मिक्सिंग इक्विपमेंट्स के अंदर एक आते हैं एक्सट्रूडर्स, एक्सट्रूडर्स भी एक तरह से मिक्सिंग एक्सट्रूडर्स अगर हम लोग बात करें, मिक्सिंग एक्सट्रूडर्स का नाम सुना है आपने कभी, एक्सट्रूजन क्या होता है कोई बता सकता है आपको कोई है आइडिया? एक्सट्रूजन का आपको पहले एक्सट्रूडर का एक डायग्राम बता देता हूँ क्या होता है। जो हम लोग ये भी खाते हैं कुरकुरे वगैरह खाते हैं, ये जो सारे हैं वो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक्सट्रूजन एक में कुकिंग हो जाती है और एक में केवल डिज़ाइनिंग होती है, तो दोनों ही एक्सट्रूजन कहलाते हैं। इसमें क्या होगा जैसे ये प्लास्टिक एक्सट्रूजन दे रखा है, तो इसके अंदर यहाँ पर क्या मटेरियल उसने डाल दिया हॉपर के अंदर यहाँ मटेरियल डाल दिया, ये हॉपर के अंदर मटेरियल जब गया तो यहाँ से मटेरियल यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या है स्क्रू लगे हुए, स्क्रू क्या करते हैं उसको जो प्लास्टिक है उसको आगे प्रेस करेंगे, यहाँ पर हीटर लगा होता है, हीटर क्या करता है उसको मेल्ट कर देता है, मेल्ट करने के बाद ये स्क्रू जब आगे जाएंगे तो धीरे धीरे और ज़्यादा प्रेशर आता रहेगा और यहाँ से वो नूडल्स की तरह फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे नाइफ लगे होते हैं जो उसको मूव कर काटते रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अंदर और देखना है एक्सट्रूजन की अगर हम बात करें, तो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स की आज के टाइम में बहुत डिमांड हो रही है। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट आपने देखा भी होगा हर जगह, आपके जो चिप्स हैं और ये पास्ता वगैरह प्रोडक्ट हैं, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी आजकल कॉमनली यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको क्या कहते हैं उसको अंदर, जिससे कि अगर हम लोग बात करें दिखाना चाहता हूँ आपको ये रहा। सिंपल टाइप ऑफ एक्सट्रूडर है, देखो इसके अंदर क्या है, इस तरह स्मॉल स्केल टाइप हो। नमस्कार सर, नमस्कार भाई,
हाँ करी। वाह, कब कितनी देर में आऊँ? बस 15 मिनट में बुला लूंगा फोन करके। आ गया। इसने कस दिया, दिखाना जो चाहता है यार वो डालो ना। ये देखो, यहाँ से इसने इन फिलिंग करी, फिलिंग करने से यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू लगने से वो बाहर मटेरियल देखो बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक सिंपल टाइप ऑफ एक्सट्रूडर है, किसकी शेप जो भी आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो उसके अंदर, जिस तरह की आपको शेप चाहिए उस तरह की शेप निकलती रहेगी। और इस तरह के जो टाइप ऑफ छोटे टाइप के हम लोग कह सकते हैं कि एक्सट्रूडर्स होते हैं, उसके अलावा अगर बड़े एक्सट्रूडर्स की बात करें तो बड़े स्टूडर्स की बात करें तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, ये दो तरह के हैं, सिंगल स्क्रू डबल स्क्रू, दो तरह के स्क्रू एक्सट्रूडर्स होते हैं। देखो इसको मिक्सर मैंने में इसलिए डाला है मैंने, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, कई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो इसके लिए मैंने इसको एक्सट्रूडर मिक्सर के अंदर, इसको मिक्सर के अंदर ऐड किया है। क्योंकि इसके अंदर होगा क्या, आपका जो सिंगल स्क्रू है ये डबल स्क्रू है, इसमें मटेरियल यहाँ से एंटर करेगा, ये स्क्रू घूमेगा तो ये मटेरियल आगे जाएगा। आगे जाने से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर हीटर लगा देते हैं यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को मेल्ट करेगा और फिर यहाँ से बाहर निकालेगा। जैसे ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है, और कुछ नहीं। हेलो, हेलो, हाँ जी आपकी भाई, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है? हाँ जी, नहीं क्या हाल है सर? साडा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमिता जी, नमिता जी कुछ नहीं, बिरे में 5 मिनट बात करा, मैं ऑनलाइन क्लास लगी हुई सी मेरी लगातार से। ओ वो छोटी सी गिरद आई सी भेजे सी? हाँ, वो बढ़िया मुंडा यार, बंदे नु कम लाओ यार। ठीक है ठीक है, वीरा गया हुआ है, मैं वीरे ने फोन किया, आई हाँ अंदर वो कर बढ़िया दे। बंदा यार मेरा मुंडा, वो 3-4 बच्चे ने एडमिशन दी है, बड़ा बढ़िया मुंडा है। ओके सर, हाँ ओके यार, ओके, मेरे वालों ना कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पैटीज पुटीज खा दी यार। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके जी। अभी क्लास है, यही हो गया। क्लास यही हो गया। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आने लगी है। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स कंटेन वन स्क्रू, वेयर एज ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर कंटेन्स टू स्क्रूज। क्लास अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? एक मिनट, अभी आ रही आवाज क्या? हाँ जी सर अभी आ रही है, अरे यार आज ही सर आ रही मैंने, है। अरे वो बीच में मैं ना वो डोंट डिस्टर्ब वाला ऑन करना बंद कर गया, इससे क्लास का नाश मार गया। अच्छा एक वीडियो देखो, एक स्टूडर का दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं बात बताऊंगा आपको। मटेरियल बट फॉर मेजोरिटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन पॉलीमर्स आर मिक्स्ड विद अदर फिलर्स एडिटिव्स एंड कलरेंट एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच। Single screw extruders contain one screw, whereas twin screw extruder contains two screws. ये आपको बता ही दिया था। Presence of one or two screw significantly changes the flow and amount of shear that can be applied on the polymer. Extruders mostly contains feeder more बोल than रहे हैं one इसको, fingers हॉपर भी बोल to सकते हैं, achieve फीडर भी desired बोल loading सकते हैं, यहाँ से of मटेरियल एंटर additives in करता the है, polymer. मतलब डाला जाता In है, case of single feeder, polymer and additives are यहाँ से remixed. मटेरियल एंटर करेगा, इसको बैरल बोलते हैं, Barrel is a long cylinder ये which सिलेंडर, host screw and keep और यहाँ पर molten स्क्रू है polymers ये जो लगा confined हुआ है, inside the extruder. ये हीटर है The जो इसको inner layer गर्म of करते barrel हैं, is यहाँ से डाई specifically लगी होती treated है, to eliminate जैसे any आपने देखा reaction होगा with पास्ता वगैरह polymer डिफरेंट at डिफरेंट high डाइस के आते temperature. हैं। ठीक Heaters है, are mounted on the barrel to melt. तो Then one screw at rotating
रोटेटिंग तो आप लोग को भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये एक्सट्रूडर्स काफ़ी, अगर हम लोग इंडस्ट्री बढ़िया एक्सट्रूडर्स की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, करोड़ों के अंदर आते हैं उनके रेट। तो ये पता लग गया, अभी एक्सट्रूडर्स का पता लग गया। ये एक्सट्रूडर आ जैसे अपना मिक्सिंग मुलर मिक्सर हो गया, मिक्सिंग बाकी वाले ये बाद में करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो 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 मूल मिक्सर्स के बारे में बताया, अगर उसमें से बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो जितने मिक्सर्स के बारे में बोला है अगर उसमें से आपको कोई समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे। ऋतिक, रेनू, पारुल, नवीन, चार लोग ही। अरे एक बार पढ़ लेंगे इनको फिर कोई होगी पढ़ लो यार, असल में मेरा भी ये बीच में फ़ोन आ गया आज, थोड़ा सा लेक्चर में डिस्टर्बेंस हो गया। आप इनको पढ़ लो, मुलर मिक्सर, एक्सट्रूडर्स। अच्छा असाइनमेंट्स कौन कह रहा था, अनिल बोल रहा था ना, अनिल चला गया ना। ऋतिक, रेनू, नवीन, पारुल, असाइनमेंट जमा करा दी भी आप लोगों ने? सर वो प्रोसेस में है, एक करवा दी है सर, बाकी अभी वो बना रखी है, वो अपलोड करनी है। ठीक है, उसको अपलोड करो और पीडीएफ हो चाहे कैसे भी हो, उसको पीडीएफ या वर्ड में ऑप्शन है, मेरे ख्याल सारे ऑप्शन है उसके अंदर, तो दो किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, उसकी लास्ट डेट मैंने, मेरा ध्यान नहीं आ रहा, दो तारीख डाली थी कि तीन तारीख, देख लूँगा कोई बात नहीं मैं वो। दो तारीख है शायद उसकी, दो डाल रखी। हाँ दो तारीख है शायद उसकी लास्ट डेट। चलो चलो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, लंच के बाद तो शायद ना लगा पाऊँ मैं क्लास, अगर लगाऊँगा तो फिर मैं बता दूंगा, अदरवाइज चांसेस कम है क्योंकि। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके भाई।